भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ ऐसी फिल्में बनी जो किसी न किसी मायने में खास थी। ऐसी कई फिल्में हैं जो अपने टाइमिंग को लेकर जानी गईं। हिंदी सिनेमा की ये सबसे लंबी फिल्में दर्शकों का मनोरंजन करने में सफल भी रहीं। लंबी होने के बावजूद ये फिल्में उबाऊ नहीं थीं। आज भी दर्शक इन फिल्मों को याद करते हैं। आज ऐसी ही फिल्मों के बारे में जानेंगे जो इसलिए इतिहास बन गई क्योंकि अब बॉलीवुड सबसे लंबी फिल्में इस कैटेगरी में नंबर एक पे आती है। मेरा नाम जोकर। राजकुमार की इस फिल्म में कुल 28 गाने थे और इसका टोटल रन टाइम 4 घंटे 4 मिनट का था। फिल्म इतनी ज्यादा लंबी थी कि सिनेमा घरों में फिल्म के दौरान 2 बार इंटरवल हुआ करता था। दूसरे नंबर पे आती है लगान। हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपनी खास जगह बनाने वाली आमिर खान स्टारर लगान बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। इस फिल्म का टाइमिंग 3 घंटे 44 मिनट का। इतनी लंबी फिल्म होने के बावजूद ये फिल्म दर्शकों को खूब पसंद आई। इसके कैरेक्टर आज भी याद किए जाते हैं। इस फिल्म को ऑस्कर में भी एंट्री मिली थी। तीसरे नंबर पे आती है सलाम ए इश्क। अनिल कपूर, सलमान खान, गोविंदा, प्रियंका चोपड़ा स्टार सलाम ए इश्क का रन टाइम 3 घंटे 36 मिनट का था। कई बड़े सितारों के बावजूद ये फिल्म बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन अपने रन टाइम की वजह से यह फिल्म चर्चा में बनी रही। चौथे नंबर पे आती है मोहब्बतें। अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, ऐश्वर्या राय के साथ कई नए सितारों को लेकर बनी ये फिल्म युवा वर्ग के लिए काफी पॉपुलर हुई थी। इस फिल्म के गाने और डायलॉग खूब चर्चा में रहे। फिल्म मोहब्बतें का रनिंग टाइम 3 घंटे 36 मिनट का था। गैंग ऑफ वसेपुर। जी हाँ दोस्तों, पांचवे नंबर पर आती है गैंग ऑफ वसेपुर। ये फिल्म इतनी लंबी बन गई कि रिलीज करना मुश्किल हो रहा था। सिनेमा घर इसे रिलीज करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके बाद मेकर्स ने एडिटिंग के जरिए इस फिल्म का रन टाइम कुछ कम किया। कई सारे सीन काटने के बाद फिल्म का रन टाइम 5 घंटे 19 मिनट का। आखिरकार फिल्म के निर्माताओं ने इस फिल्म को 2 पार्ट में रिलीज करने का फैसला किया और पहले पार्ट के रिलीज होने के बाद फिल्म का दूसरा पार्ट 3 महीने बाद रिलीज किया गया। अगर आपको दोस्तों आपको अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।